स्टैचू को देखने के लिए, नाम भूल गया उसका। आई थिंक 300 BC करीब। अपनी क्रूज पे एक्सपायर हो रहा है तो पहले देखना, बोला अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। मैंने तो मैं 7 चक्कर लगा रहा हूँ। ये पेपरस प्लांट है, तो हम आ गए हैं अब लग्जोर टेम्पल। तो सुबह के बज रहे हैं 5 और हमारी क्रूज रुकी थी और हम जा रहे हैं होरस स्टैचू करके कुछ है, उसके बाद टेम्पल और उसके बाद एडपुर टेम्पल। बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, वीडियो में कुछ आ नहीं रहा होगा, थोड़े गाड़ी में बैठे हुए हैं। सब बन गया भाई जी, यहाँ पे आ गए हैं घोड़े से उतर के एडफू टेम्पल और वो जो भी था स्टैचू को देखने के लिए, नाम भूल गया उसका। और यहाँ पे भीड़ लगी हुई है सुबह के 5 बजे। और ये ऐसा माहौल यहाँ पे सुबह 5 बजे हो रहा है। अंदर बहुत भीड़ के बाद पहुंच गए हैं, अभी देखते अंदर जाके। मुझे ऐसा लग रहा है हम आए अभी स्टैचू ऑफ होरस में, और ये बता रहा है कि अभी गाइड के साथ ही आए हैं, ये बता रहा है कि 9 किंग्स ने इसको बिल्ड किया था अराउंड आई थिंक 300 BC करीब, कुछ भी बोल रहा है तब बिल्ड किया था। तो अभी जाएंगे तो मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ कैसा है। हमने ये जो आए थे एडफू टेम्पल, इसको अब हमने घूम लिया है। अब हम वापस जा रहे हैं टांगे के अंदर ही अपनी क्रूज पे। मैं दिखाता हूँ कैसा टांगा है, तेज चला रहा है। तो अब हम कर्नाक टेम्पल आए हैं, सुबह हम लोग गए थे दूसरे टेम्पल, तो अभी हम लग्जोर आ गए हैं। तो लग्जोर में अब हम पहली बार जा रहे हैं कर्नाक टेम्पल,
हमारा जो टूर गाइड है जो क्रूज थे उस समय अलग से इंग्लिश बोलने वाली गाइड मिली है, क्योंकि बाकी वहाँ पे जो लोग हैं वो इजिप्ट से दूसरी जगह से आए हैं, कहीं और से आए हैं, तो उनको इंग्लिश बोलने वाले नहीं चाहिए थे। तो इंग्लिश बोलने के लिए अभी हम तीन लोग हैं, तो हमारे ही अलग से गाइड बुलाया है, करनाक टेम्पल लेके जा रहे हैं और करीबन 4 घंटे हमारे पास पूरा लग्जर घूमने के लिए। तो इसने और भी जगह बताइए कि और कहाँ कहाँ पर घूमना है। जैसे जैसे मैं जाऊँगा मैं आपको दिखाऊँगा करनाक टेम्पल, एंट्री फीस। ट्राई करेंगे कि इस बार भी हमारा जो स्टूडेंट का जो नकली है बनाया है हमने वो ट्राई करें कि उससे चल जाए, 50% ऑफ मिल जाए। तो बस मैं अंदर जा रहा हूँ, देखो पीछे है करनाक टेम्पल और यहाँ पे यूजुअल फ्ली मार्केट जो भी होती है हर मॉन्यूमेंट और हर फेमस जगह के बाद ये फेमस यहाँ पे जो भी फेमस जगह हो वहाँ पे ये फ्ली मार्केट होती है। और कुछ भी खरीदना हो कोई कुछ भी बोले सीधा 50% ऑफ बोलो, कोई बोले 400 इजिप्शियन पाउंड तो सीधा सबसे पहले बोलो 150-200 तो 50 या उससे भी ज़्यादा भी बोल दो, क्योंकि ये पूरा ठगते हैं। अभी तक तो हमारे साथ कुछ स्कैम हुआ नहीं है जैसा हमने सुना था अभी तक, तो मतलब हमारी किस्मत अच्छी है, क्रूज़ अच्छा है, जो हमारा गाइड था वो अच्छा है। तो बस अब देखो ये टिकट काउंटर पे जा रहे हैं, अपना कार्ड चला के देखते हैं कैसे चलता है नहीं चलता, मैं बताता हूँ आपको। तो हम करनाक टेम्पल घुस गए हैं, टिकट का मैंने आपको बताया ना कि ट्राई करेंगे, तो वो पहले माना नहीं, फिर हमने वही किया, मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया उसे, उसे इंग्लिश नहीं पढ़नी आती ना आती, हमने कहा यही है मेरा कॉलेज का ड्राइविंग लाइसेंस 2032 में एक्सपायर हो रहा है, वो पहले देखना बोला अच्छा अच्छा ठीक है मैंने कहा यूनिवर्सिटी का गाड़ी है और इसको दे दी टिकट आधे रेट पर। तो मैं दिखाता हूँ क्या क्या है यहाँ, तो अभी मैंने बताया था कि हम लोग करनाक टेम्पल घुस गए थे अपना ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह दिखा के, तो हम एक गेट से एंटर कर दिया और टिकट वाले ने हमें टिकट दे दी, फिर दूसरे गेट से हम एंटर कर रहे, तो पहली बार मैंने जब मैं देखा करनाक टेम्पल में ही कि दूसरी बार चेकिंग होती थी टिकट्स की, तो मेरे और मेरे एक दोस्त से टिकट ली हमने, फिर वो ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दिया, इनको इंग्लिश तो पढ़नी आती नहीं तो इसने ड्राइविंग लाइसेंस को मान लिया, मैंने कहा यूनिवर्सिटी का कार्ड है ठीक है, तो वो बोला नहीं नहीं मैं ये नहीं लूँगा टिकट के लिए, एक बार स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी का आईडी और दिखाओ। तो स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी का आईडी के लिए मैंने अपना पुराना कॉलेज का कार्ड दे दिया, मेरे दोस्त ने भी पुराने कॉलेज का कार्ड दे दिया, जो तीसरा एक और दोस्त था उसका कॉलेज का कार्ड ने ड्राइविंग लाइसेंस दिखा था, उसने कहा नहीं नहीं अब इसको एंट्री नहीं मिलेगी, तो हमने बहुत बोला तो माना ही नहीं दूसरे पे, तो और लोगों को लेकर आ गया, और फॉर्चुनेटली किसी को इंग्लिश नहीं पढ़नी आती थी। फिर हमने 110 इजिप्शियन डॉलर और दिए, हम इजिप्शियन पाउंड और दिए, और हमने बोला कि चलो स्टूडेंट का एक आई डी भूल गया तो नॉर्मल टिकट ही दे दो, तो एटलीस्ट हम दोनों की तो 50% ऑफ पे हमें यहाँ पे भी मिल गई, लेकिन यहाँ पे जब भी आओ तो कुछ ना कुछ जुगाड़ नकली वगैरह बना के आ जाना, एज ज़रूरी होनी चाहिए, तुम 30 साल से ऊपर नहीं लगनी चाहिए दिखने में, क्योंकि 30 साल की एज लिमिट है। करके इनका गॉड, और यहाँ पे माना जाता था कि
कोई भी विश हो और कोई इसके सात चक्कर काट ले, सात फेरे ले ले इसके, तो वो विश पूरी हो जाती है। तो अभी मैं भी लेता हूँ, कुछ ना कुछ तो मांगूंगा। ये पेपरस प्लांट है और इससे ये लोग ये शीट्स, ये पेपर बनाते हैं और एक एंशिएंट इजिप्ट से बनाते जा रहे हैं। तो इसके काट के ऐसे डालते हैं, उसके बाद इससे ये लोग इसका पील निकाल के ये पेपर को ये निकालते हैं और इसको ये तीन दिन पानी में डालते हैं, इससे ये पेपर बन जाता है। ये सब देखो, ये सब इस पेपरस पेपर से बने हुए हैं। ये सारी जो इमेजेस है पेपरस पेपर पे बना रखी है। अभी ये लाइट स्विच ऑफ करके दिखाएगा कि इन्होंने क्या कर रखा है, कि लाइट भी ऑफ होगी तो तब भी ये जलेंगी। तो अभी इसके प्राइस दिख रखा है कि ये जैसे ये हो, बीच वाली हो गई 1000 रुपये की दिख रखी है, अभी लाइट ऑफ करके दिखा रहे हैं। सो ये सो लाइट ऑफ करके सब चमकती है। तो अभी इसके प्राइस में दिखाता हूँ, जैसे कोई भी प्राइस दे रखा है, ये 1000 का दे रखा है, ये कह रहा है कि 50% फ्लैट डिस्काउंट देगा 500 का, 500 का मतलब हमारे आएगा 1500। तो अभी इसको ट्राई करते हैं कि थोड़ा और सस्ता करे, ये 200 में दे दे तो 600 रुपये इंडिया के हिसाब से, ठीक है। तो हम आ गए अब लग्जर टेम्पल, लग्जर वेस्ट बैंक में ही है, बहुत ज़बरदस्त है, अभी दिखाता हूँ बढ़ के। तो यहाँ पे भी वो एंट्री का वो था 180 नॉर्मल और 90, वो हमने वही ड्राइविंग लाइसेंस दिया, चेक नहीं किया, मिल गया। ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, कपड़े में हाफ स्लीव भी पहन कर आया, गलती होगी कि दिन का निकला हुआ था। तो टेम्पल ओके। सो ही वाज ही डाइड एट 18 इयर्स ओल्ड। तो अभी हम लग्जरी टेंपल से निकले हैं, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है और हम लोग यहाँ पे आज जैकेट लेकर नहीं आए थे क्योंकि दिन से निकले हुए थे, दिन में धूप थी, तो अभी साफा वगैरह उड़ा हुआ है। और ये लग्जर सिटी, काफ़ी भीड़ हो रही है, कोई ना कोई सब ना कोई ना कोई कुछ मांगने वांगने वाले आते ही रहते हैं, बेचने वाले। तो अभी तो हमारे साथ गाइड है तो उन लोगों ने भगा दिया, लेकिन आप बाहर निकलोगे तो आपको कम से कम 10 लोग घेर लेंगे, जैसे हमारे इंडिया में कई मंदिरों में नहीं होता, वैसे ही बहुत खतरनाक हाल है, चिपक जाता है और हटते ही नहीं है। तो बस अभी हमने कैब की वेट कर रहे हैं, तो अभी जाएंगे पूरा इलाका साफ सुथरा है, सड़कें वड़के अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पे पहली बार क्योंकि हम सिटी में आए तो भीड़ लगी, और कहते हैं कायरों में तो और ज़्यादा भीड़ है। ठीक है चलो, फिर मैं कैब में बैठता हूँ, उसके बाद हम लोग शायद कुछ खाएँ या फिर सीधा क्रूज़ पे जाएंगे, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है क्रूज़ का, और कल हमें सुबह आई थिंक 3:30 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि 4 बजे हमें पहुँचना है वो हॉट एयर बलून्स के लिए।